क्या बताएं, इस समय का दुख दर्द पीड़ा। इधर से भी गर्मी आ रही है, ऊपर से भी हीट आ रहा है, साइड से भी हीट आ रहा है। बाहर तो कदापि मत जाना, बाहर जाओगे तो जल जाओगे। अब उन परिस्थितियों में तो जाना पड़ेगा जब अति आवश्यक हो जाए, तो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित करके जाए, ठीक है, ध्यान दें। और जो अपने आप को बड़ा युवा मानते हैं हम जैसे लोग, अपने घरों में जो अभिभावक है एक जिम्मेदारी निभाए, दिन में 4-5 बार उन्हें कम से कम पानी पूछे, ना मांगे तो भी जबरदस्ती पिला दो, पियो इसको, एक जग पानी पियो, ग्लास भर पानी दो और बोलो पिए पानी को। बॉडी में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। आप लोग देख रहे हो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने परिवार का केयर करें, ख्याल करें। आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर BHU CUT UG काउंसलिंग, यानी यूजी की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हम लोग को ना डॉक्यूमेंट्स बहुत पहले से जान लेना चाहिए। कारण ये है, अब पीजी का जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तो पता चला कि वो दौड़ रहे हैं ऐसे ऐसे, चल दिए डॉक्यूमेंट्स हमारा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है। तो भाई आप अभी से अपना डॉक्यूमेंट्स के लिए रेडी हो जाओ, वो डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा लोगे तो बाद में आपको दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वैसे भी आपको बताइए धूप इतनी तेज है, क्यों ही दौड़ लगाओगे। तो प्लीज मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो समझो और लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं ये भी डिस्कस करूंगा ना, बेसिकली ये भी डिस्कस करूंगा कि काउंसलिंग के टाइम को कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखनी है, मतलब प्री प्लानिंग है ना। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूजी के बच्चे जो है वो अपना क्या कराना चाहते हैं, घर बैठे काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा, तभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, तो वो लोग ना इस वीडियो में काउंसलिंग वाला नंबर हो आप उसको आराम से सेव कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहां पे गाइड किया जाएगा और आप अपना जो साइबर से काउंसलिंग कराते हो उनसे भी करा सकते हो, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मार्कशीट ऑफ 10th एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th, यानी ये दो सर्टिफिकेट जो है ये आपके पास होने चाहिए, यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र होता है और आपका जो अंक पत्र होता है। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में किसी किसी स्कूल में ये दोनों एक साथ ही होता है, जैसे हमारे CBSE में अलग से कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरा 10वीं का एक ही साथ लगा होगा, लेकिन वो यूपी बोर्ड का बच्चा होगा तो दोनों अलग अलग मिलता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में स्कूल जो देता है एक्सेप्टेड है, ठीक है, परेशान मत हो जाना कि सर हमारे स्कूल ही नहीं देता है, एक्सेप्टेड है, ठीक है। सेम एज इट इज 12th में फॉलो होगा। आपका एडमिट कार्ड यूजी एग्जाम के लिए जो आप एडमिट कार्ड लेके गए सेंटर पे, वो एडमिट कार्ड आपके लिए ना ब्रह्मास्त्र, उसको रखना है, मे बी वो काउंसलिंग में रिक्वायर्ड हो जाए, ठीक है, तो ऑप्शन के तौर पे है लेकिन रखना है, भूलना नहीं उसको। स्कोर कार्ड, अभी रिजल्ट आएगा तो स्कोर कार्ड बकायदा डाउनलोड कर लेना, प्लीज आप सभी से निवेदन है कि ये आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ चॉइस प्रिफरेंस, ये अभी मत ध्यान देना, ये क्या है, ये काउंसलिंग के टाइम का प्रोसेस है, मैं बताऊंगा आपको प्रेफरेंस कैसे भरना है, तो मेरी कमिंग वीडियो जरूर देखिएगा। जो पहली बार देख रहा है बता दे रहा हूँ, ऐसा चैनल यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और यहीं पे आप अपना ट्रांसफर या माइग्रेशन, जिसको एक TC बोलते हैं या CC बोलते हैं, ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट, और यहीं पे आप अपना एक और सर्टिफिकेट नोट डाउन कर लो। चलो अच्छा आगे, स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थे और आपके पास नेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है, उसका ना पूरा प्रोस्पेक्टस है स्पोर्ट्स वाला, पूरे बुलेटिन आएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि किस लेवल के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट एक्चुअली वहां पे है। मैं आपको एक मोटी मोटा बता देता हूँ कि नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट वो लोग मांगते हैं, 3% का रिजर्वेशन होता है इसमें, ये 3% का बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि एक लड़का को मैं बोल चुका था कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा और मेरी प्रोफेसी जो है वो गलत हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा वो ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग अगर आप कर दिए तो आपका एडमिशन कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, अगर BHU एम्प्लाई वार्ड हो तो ये सब जो कोटा वोटा का रहता है, ठीक है, ये सब लगेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने NCC कर रखा है तो आप NCC का भी सर्टिफिकेट अपना अरेंज कर ले, ठीक है। आपने अगर पर्टिकुलर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हो, OBC, ST, SC, EWS, तो वो सर्टिफिकेट भी आप बनवा लो, ठीक है। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर लो, मोटी मोटा इतना काउंसलिंग में आपके लगने वाला है, ठीक है, इतना आपका होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपको CU, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपको क्या चाहिए, आपको आपका CUET, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये बेसिकली चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, आपका फोटो पासपोर्ट साइज का, ये सभी स्कैंड होना चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, हाइब्रिड मोड में नहीं, ओनली ऑनलाइन ही है। स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एक अच्छा सा सिग्नेचर, ठीक है, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट हो गया, जाति आय यानी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, डोमेसाइल, ये सब हो गया, ठीक है, TC, माइग्रेशन, ये सब हो गया, देखो ऊपर ही लिख दिया, ऊपर ये सब आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद
जेंडर का सिलेक्शन प्रोग्राम ये सब भी प्रॉपर वे में वहां पे चूज करना पड़ेगा, यानी आपका जो लिंग है वो आपको बताना पड़ेगा, आप भारतीय हो क्या हो वहां पे आपका डिसाइड होगा, आप अपना वहां पे कोर्स चूज करोगे, तमाम चीजें जो है वो डेट ऑफ बर्थ चूज करोगे, ये सब चूज करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बुलेटिन आता है बीएचयू का जो 24 के लिए भी आना बाकी है, ठीक है, गूगल पे वो आ जाएगा, अभी नहीं आया, जब आएगा बता दूंगा। उसमें ना बकायदा एलिजिबिलिटी लिखी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा बीएचयू से बी एल एल बी 5 ईयर्स प्रोग्राम करना चाहता है, ब्लैड करना चाहता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वन लीगल मतलब एक डोमेन लीगल जनरल टेस्ट जीटी और एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश। अब उसमें लिखा रहेगा कि ये तीनों अगर आपने यूजी लेवल पे दिया है तभी आप बीएचयू बीएएलएलबी में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, तो बुलेटिन भी आ जाएगा, फिर उसको पढ़ के ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये मोटी मोटा चीजें रही जो आपको ध्यान देनी है। ये डॉक्यूमेंट्स आप जैसे कोई बच्चा अभी इनकम नहीं बनवाया है तो बनवा लो, क्योंकि 10 दिन मोटी मोटा 10 दिन लगता है, जब भी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो 1 महीना समय मिलेगा आपको, आप अभी से डाल दो बनने के लिए, नया वाला रहेगा, कोई रिस्क नहीं होगा। और ये पूरे सर्टिफिकेट आपके नेशनल लेवल के होने चाहिए, ठीक है, सेंटर वाले होने चाहिए, समझे कि नहीं, यानी ईडब्ल्यूएस का जो आपका लेवल है जैसे बनता है बनवा लो, बाकी ओबीसी एसटी एससी का जो है ये डोमेसाइल है या फिर इनकम है, ये सब सेंटर लेवल का ही आप लोग बनवाइएगा, जिससे कि ये ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में आपका काम आ जाएगा, एक बार बनवाओगे हर जगह काम आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे जो भी लिंक है काउंसलिंग हेल्प डेस्क का लेके फलाना टीम का ना, सब ज्वाइन कर लो, काउंसलिंग वाला जो नंबर है अपने व्हाट्सएप नंबर में सेव कर लो, और जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आप उनसे और मेरे से अगर बात करना चाहते हो किसी परिस्थिति में कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उन्हें मैसेज करो कि प्लीज फॉरवर्ड दिस मैसेज टू नीट सर, ठीक है, तो वो मैसेज मुझे मिल जाएगा और मैं आपको खुद ही एक टाइम दूंगा, मैं खुद टेक्स्ट करूंगा कि मुझे इस टाइम पे आप कॉल कर लो, कोई पेमेंट नहीं लगेगा, बहुत लोग तो 50 रुपए 60 रुपए लगा रखे हैं, आप फ्री में आप बात करो, फ्री में आपकी काउंसलिंग करूंगा मैं, तो प्लीज मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन एटलीस्ट आप इस चैनल को सहयोग जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई वीडियोस मिस ना होने सके। और मैं कमिंग वीडियोस किस पे ले आऊं आप ये कमेंट करके बताओ, किस कोर्स से आते हो ये भी कमेंट करो, कितना नंबर आ रहा है ये भी कमेंट करो, मैं आपके कमेंट बेसिस पे रिप्लाई दूंगा, ठीक है। हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।